कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच उठ रहे शोलों ने लोगों को एक बार फिर से शोले फिल्म की याद तो दिला ही दी है, लेकिन इस सब के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब इस पूरी चीज के बीच में सारी जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान के ऊपर आ गई है कि वो पंजाब में नया सीएम किसको घोषित करते हैं। इस रेस में सबसे आगे माने जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की अगर सूत्रों की माने तो फिलहाल कांग्रेस हाईकमान उनको सीएम बनाना नहीं चाहती। इसी रेस में सुनील जाखड़ का भी नाम है, लेकिन उनका भी सीएम बनने का चांस काफी कम लग रहा है। एक बहुत ही पुराने और अनुभवी कांग्रेसी राजकुमार वेरका भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हाईकमान उनको भी सीएम नहीं बनाना चाहती है। फिलहाल इस रेस में सबसे आगे और अग्रणीय है अंबिका सोनी। महिला चेहरा भी है पार्टी का और बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी कि किसी भी तरह के विवाद से परे रहने की वजह से उनका चांस सबसे ज्यादा है। तो किसी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आपको आज शाम तक, यानी कि रविवार को ही, नए सीएम के नाम की घोषणा में उनका नाम